नवंबर रविवार का दिन हर एक भारतीय के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन भारत 12 साल बाद एक बार फिर वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगा। 2011 में श्रीलंका थी और इस बार ऑस्ट्रेलिया है। सपना सिर्फ एक है, वो चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करना। टूर्नामेंट का मेजबान BCCI भी इसको यादगार बनाने के लिए रविवार को विभिन्न म्यूजिक शो, लाइट शो और एयर शो का आयोजन करेगा। टूर्नामेंट के पहले मैच और भारत बनाम पाकिस्तान मैच की मेजबानी के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपने पहले ICC फाइनल मैच की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। 1,32,000 की क्षमता वाले इस वेन्यू में ये तीसरा बड़ा फाइनल मैच है। इससे पहले यहाँ 2 IPL फाइनल खेले जा चुके हैं। इन मैचों में भी यहाँ बड़े आयोजन किए गए थे। ऐसे में आपको रविवार को होने वाले पूरे शो का शेड्यूल बताते हैं। दोपहर 12:30 बजे तक एयरफोर्स की तरफ से एयर शो, भारतीय वायुसेना सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के 10 मिनट के एयर शो के साथ फैंस और खिलाड़ियों के लिए इसे खास बनाने के लिए तैयार है। नौहॉक टीम का नेतृत्व फ्लाइट कमांडर और डिप्टी टीम लीडर विंग कमांडर सिद्धेश कार्तिक करेंगे। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम अहमदाबाद के हवाई अड्डे से उड़ान भरेगी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर वर्टिकल एयर शो करेगी। शाम 5:30 बजे के लिए परेड ऑफ चैंपियंस। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार ICC ने सभी वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तानों को 2023 का फाइनल देखने के लिए आमंत्रित किया है। 1975 के विजेता क्लाइव लॉयड से लेकर हालिया विजेता कप्तान इयॉन मॉर्गन तक सभी अपने वर्ल्ड कप ट्रॉफियों के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नजर आएंगे, जहां सभी 5 तरह की ट्रॉफी दिखेगी। इस दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव और MS धोनी नजर आएंगे। सभी कप्तान एक ही तरह के ब्लेजर पहनेंगे, जो वर्ल्ड कप के थीम के अनुसार बनाया गया है। म्यूजिक शो, भारत के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम म्यूजिक शो दिल जश्न बोले में अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। 500 से अधिक डांसर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में केसरिया, देवा देवा, लहरा दो और कई अन्य प्रसिद्ध गानों के साथ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। चैंपियन टीम के लिए 1200 ड्रोन के साथ होगा शो। ICC ने वर्ल्ड कप विजेता टीम का नाम ट्रॉफी के साथ प्रदर्शित करने के लिए लेजर मैजिक प्रोडक्शन के साथ क्लोजिंग सेरेमनी का समापन करने की योजना बनाई है। 1200 से अधिक ड्रोन विजेता टीम के नाम के साथ अहमदाबाद के आसमान को रोशन करेंगे और इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतिशबाजी शो होगा, जो फैंस के लिए खास किया जाएगा। वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया गया था, ये सभी पहली बार किया जा रहा है।